नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूं, जिसमें से आपको मैं बताऊंगी कि महिला नसबंदी यानी कि फीमेल टूबेक्टमी कैसे होती है, उसमें कौन कौन से यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो उस बारे में मैं सारा वीडियो डिटेल में बताऊंगी एंड उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप करके ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि कहीं मिस नहीं हो जाए और बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है। सो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें नहीं करते, हम चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोस्टली हमें बस इतने इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे मैं पहली बात बता दूं, यदि आपने सिजेरियन करवाया है तो उसके जस्ट तुरंत बाद यानी कि सिजेरियन के दौरान ही, क्योंकि उसमें सारा ओपन रहता है तो चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं है अलग से। तो बस क्या करना है, फेलोपियन ट्यूब को ओपन करके निकालना है, और इससे ये जो है आपका, ये बोलते हैं बैबकॉक, ये है बैबकॉक। तो बैबकॉक इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, ट्यूब को क्लैंप कर लेते हैं, और फिर क्लैंप करने के बाद में हम, एक आता है क्रोमिक, तो क्रोमिक को निडिल होल्डर, ये है निडिल होल्डर से लेके हम उसको टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं, और इसके बाद में उसको, ये है सीजर, तो ये कर्व सीजर है, तो इस सीजर से उस ट्यूब को हम कट कर देते हैं जहाँ से हम टाई करते हैं वह उसके ऊपर से, तो ये कट कर देते हैं। इसके बाद में हम इससे थोड़ा सा, ये जो, ये इसको बोलते हैं आर्टरी, इससे क्रश कर लेते हैं। इसकी कभी कदार ही ज़रूरत पड़ती है जब हमें कोई चीज़ को इस तरीके से क्या करना हो, अपर करना हो या ऊपर करना हो, तो इस चीज़ की हेल्प लेते हैं डाइसेक्टिंग फोर्सेप की, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बता दूं, जो ट्यूबल लाइगेशन होता है वो आफ्टर एलएससीएस सिजेरियन के बाद होता है। यदि आपको ट्यूबेक्टमी करानी है तो उसमें क्या करना है, सारा कुछ जो एलएससीएस का सेट होता है सेम वही लगता है आपका, निडल होल्डर लगेगा एंड बीपी हैंडल लगेगा और ये इंस्ट्रूमेंट ये लगेंगे। तो बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, 10 से 20 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। यदि आप लैब से कराते हैं तो उसमें 5 से 10 मिनट में ये प्रोसीजर एंड हो जाता है। तो आपको मैं दोबारा से इंस्ट्रूमेंट बता दूं, ये है सीजर जिससे कि ट्यूब को कट करते हैं, ये है निडल होल्डर जिससे ट्यूब को टाई करते हैं, इससे क्रोमिक लेके, क्रोमिक के बारे में मैंने पहले भी बता दिया, और ये है आपकी आर्टरी, तो ये कर्व आर्टरी है, ये क्रश करने के लिए है, एंड ये है आपका डाइसेक्टिंग, ये है टूथ फोर्सेप, ये देखिए यहाँ पे टूथ लगा हुआ है, एंड ये है बैबकॉक, बैबकॉक ये क्लैंप करने के लिए ट्यूब को यूज करते हैं। तो हमें बस दो बैबकॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो बस इतने ही इंस्ट्रूमेंट इनफ होते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ट्यूबेक्टमी क्या होता है, यानी ट्यूबल लाइगेशन। तो ट्यूबल लाइगेशन एक जो सर्जरी का यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें से फेलोपियन ट्यूब को परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि कट करके बांध देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग इम्प्लांटेशन होता है वो नहीं हो सकता है, यानी कि स्पर्म से जो भी एग निकलता है वो ओवम से, तो वो दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं बनता, जिसे शुक्राणु अंडाणु कहते हैं। तो जब वो आपस में मिल नहीं पाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो बेबी बर्थ का है तो वो, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, जिससे कि हम बर्थ रोक सकते हैं। तो मैंने बहुत ही जितना मुझसे हो सका है हिंदी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को मैक्सर लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एंड इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और आप लोगों का नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।